नमस्कार आदाब सश्री अकाल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर अदरस दिस इज न्यू मंथ द जून महीना स्टार्ट हो चुका है एंड गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑफ जून 2020 बने रहेगा मेरे साथ इसी YouTube चैनल पर डेली सुबह साढ़े सात बजे आपके लिए लेकर आता हूं ऐसी करंट अफेयर्स की क्लास जो कि आप अगर रिलीजियसली अच्छे से डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं हैं तो डेफिनेटली आप 90 तक स्कोर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में और इस क्लास के बाद आठ बज के दस मिनट पर होती है आपकी एमसीक्यू की क्लास जो कि रहती है एनअकेडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये दोनों क्लासेस रोज सुबह साढ़े सात बजे से लेकर आपका साढ़े आठ तक रहती हैं साढ़े सात यहाँ पर आठ दस पर एम दोनों क्लासेस अटेंड करनी है एंड डेफिनेटली यू कैन गेट नाइनटी 90% मार्क्स एंड टुडे दिस इज फर्स्ट ऑफ जून 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा हिट कर दीजिएगा बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस विद कपिल्डपाल ये रहा उसका लिंक आपके सामने ओके सो लिंक ओके तो दिस इज द लिंक इसका आपके सामने टी डॉट एम स्लैश के कार्टो आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्वेंटी सब्सक्राइबर मिलेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है अनके टेलीग्राम चैनल का उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा अन अकेडमी प्लस बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैंकेडमी प्लस पे भी ओके okay, बहुत सारे बैचेज क्वांट के भी रीजनिंग के भी नए बैचेज लॉन्च हो रहे हैं इंग्लिश के भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल तरीके से पढ़ना चाहते हैं एक डिसिप्लिन वे में पढ़ना चाहते हैं और बहुत ही अफेक्टिव जो बैचेस हैं और ज्यादा कोस्टली भी नहीं है आपका प्लस एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म आप ले सकते हैं और जी टेन आप कोड यूज कर लीजिएगा आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और किसी भी कैटेगरी का आप अगर प्लस कोर्स परचेज करने वाले हैं तो ये कोड आपके लिए अप्लाई किया जा सकता है ओके सो गुड मॉर्निंग एवरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड 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 मॉर्निंग ओके तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की पहली न्यूज़ आप सभी के सामने आई है डिलिमिटेशन कमीशन से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी अभी हाल ही में एक मीटिंग कंडक्ट की है और जो कि मीटिंग आपकी बेसिकली अप्रैल में होनी थी बट ड्यू टू तो लॉकडाउन अब ये मीटिंग हाल ही में मई में हुई ओके तो लास्ट वीक मई में कंडक्ट की गई अब आखिरकार ये डीलिमिटेशन कमीशन है क्या और क्या मीटिंग इसमें कंडक्ट की गई सबसे पहले तो डीलिमिटेशन का मतलब समझते हैं डीलिमिटेशन का मतलब यहां लिखा हुआ है डीलिमिटेशन मतलब है आपका जो इंडिया की जो इंडिया की आपकी कंस्टिट्यूएंसीज हैं कंस्टिट्यूएंसीज कौन सी जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनका डिवीजन करना उनका डिवीजन करना उनका निर्धारण करना कि कितना डिवीज़न, कितना एरिया आपका एक लोकसभा सीट के अंडर कवर किया जाएगा ये बेसिकली देखा जाता है उस एरिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये एरियाज़ को आपका डिवाइड किया जाता है सो so, ये डीलिमिटेशन जो है ये डिलिमिटेशन कमीशन इसको हम बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि एक बाउंड्री निर्धारित करती है आपकी लोकसभा की आपकी एक्सरसाइज जो है ये अब तक चार बार की जा चुकी है 1952, 1963, 1973 एंड 2002 में सो टू थाउजेंड की जो डिलिमिटेशन लास्ट हुई थी एंड हुई थी 2008 में और ये बेस थी 2001 के संसद पे हजार 2001 में जो पॉपुलेशन आपकी थी उसके बेस पर कंस्टिट्यूंसी का निर्धारण किया गया था सो द द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स अलॉटेड टू अ स्टेट इज बेस्ड ऑन रेशियो बिटवीन द नंबर एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ओके सो उम्मीद करता हूं ये समझ में हो और 1976 के बाद जब इमरजेंसी पीरियड आई थी उसके बाद डीलिमिटेशन को 2001 तक सस्पेंड कर दिया गया था और अब जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन होना है वो 2026 में आपका होना है दो okay, 2026 में होना है यही इसी के ऊपर आपकी चर्चा की डिलिमिटेशन कमीशन में इसके बारे में इस बार जम्मू एंड कश्मीर काफी चर्चा में रहा जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज अब वो दायरे से बाहर आ चुका है एक नए एक्ट के अंदर आ चुका है यूनियन टेरिटरी बन चुका है तो उसका भी आपका डिलिमिटेशन आपका इसके अंडर उसका भी करने की तैयारी में है ओके okay, जिसका आपका वहां के लोकल पार्टीज के द्वारा विद्रोह किया जा रहा है बट वो होगा ही होगा ओके okay, सो so यहां पर डीलिमिटेशन डीलिमिटेशन के बारे में जो-जो चीजें चीजें मैंने बताई, ये सभी आपका ये पूछा जा सकता है आपसे राइट एंड इस बार यहां पर लिखा डिटेल्स है वो आपकी मणिपुर आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह इनसे अभी आपकी हाई थी ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दी डीलिमिटेशन कमीशन चलिए ये आपका आ, हिंदी में भी अवेलेबल है मेरा जो भी करंट अफेयर्स मैं करवा रहा हूं आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी हिंदी की भी इंग्लिश की भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा और आ, आराम से आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं नेक्स्ट चलते यूनाइटेड स्टेट्स ने ज्वाइन किया जी सेवन पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपका आपका यूएसए ने जी सेवन नेशंस को ज्वाइन किया बाकी नेशन आपका इसके लिए आगे आ चुके थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बट यहां पर यूएसए ने इस पर्टिकुलरली एग्रीमेंट के लिए सिग्नेचर नहीं किया पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए आगे नहीं आया था ज्वाइन नहीं किया था बाकी ग्रुप्स को बाकी कंट्रीज को इस ग्रुप में तो अब फाइनली यूएसए इज नाउ ज्वाइनिंग द ग्रुप टू काउंटर चाइनीज डोमिनस को खत्म करने के लिए ये आपका यूनाइटेड नेशन ने इसको ज्वाइन करने का फैसला

में शामिल किया जाए इस G7 का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए जिसमें चार नेशन में इवन इंडिया भी शामिल है ओके इंडिया को भी उन्होंने कहा है कि ये आपके चार नेशन में शामिल किया जाए जस्ट एक न्यूज आई है एक अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है तो इसलिए जो चीज कंफर्म नहीं हुई है वो हमारी करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं बनता है इन केस अगर कुछ ऐसा कंफर्मेशन होता है देन डेफिनेटली वी नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट ओके नेक्स्ट न्यूज चलते हैं अग्निप्रष्टा ओके okay. अग्निप्रष्ट okay. फाउंडेशन स्टोन लेड सो so यहां पर एक अग्निप्रष्ट नाम का एक मिसाइल पार्क का नींव रखी गई है एट द आईएनएस कलिंगा ओके okay. इंडियन नेवल शिप आईएनएस का मतलब आईएनएस कलिंगा पे एक नींव रखी गई है मिसाइल पार्क की जिसका नाम अग्निप्रष्ट रखा गया है So, यहां पर ये यह मिसाइल पार्क इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा आपके रिलेटेड तो आइनस कलिंगा आइनस कलिंगा आपका क्या था कैसे काम किया कहां कहां गया ये सारी सारी चीजें हिस्ट्री उसकी हिस्ट्री एंड इसके अलावा यहां पर आपका एम, ये भी आप शोकेस किया जो कि वाटर के नीचे आपकी लॉन्च की जा सकती है सोलर पावर प्लांट भी पर है to, uh, के आपका दो मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट भी आपका लगाया गया है ये प्लांट आपका जो है ये पार्ट है इंडिया का नेशनल सोलर मिशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसका टारगेट हंड्रेड गीगा अचीव करना बाय ट्वेंटी ट्वेंटी ओके सो ये आपका किया जाता है ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर ये काम करता है और विशाखापटना में ये आपका स्थित है, so यहां पर से है ये आपका ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें जो पूछ सकते हैं सोलर पार्क कौन सी एनर्जी के ऊपर बेस्ड है कौन सी एनर्जी कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर की हम बात कर रहे हैं सोलर पावर जो है सोलर आपकी एनर्जी जो है इसका टारगेट क्या है 100 गी वोट है 2022 तक एंड कहां पर यह है ये आई कहां पर अभी खड़ा है राइट आंसर विशाखापट्टनम रहेगा इस पूरी न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है विशाखापट्टनम ओके बाकी अग्निप्रष्ट तो अलग से पूछ सकते हैं कि आखिरकार ये है क्या और कहा ये है अगली खबर है हमारी रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च बाय दी मध्य प्रदेश फॉर स्किल्ड वर्कर्स सो so, अभी हाल ही में जो माइग्रेंट वर्कर्स जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेंट हो रहे हैं जा रहे हैं मूव कर रहे हैं उनको आपका रोजगार मुहैया करवाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रोजगार सेतु योजना रोजगार सेतु योजना आपकी लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा टू तो प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर जो अभी हाल ही में घरों में ने लौट कर आए हैं इसके लिए एक कंप्लीट सर्वे किया जाएगा सभी के सभी स्टेट के पॉपुलेशन का एंड इसके अलावा एक और स्कीम इंप्लीमेंट की गई जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम इस स्कीम के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा था जब ये लॉन्च की गई थी सो so, यहां पर स्वामित्व स्कीम जो है ये आपकी है बेसिकली जो मध्य प्रदेश का जो रूरल लैंड है जो आपका एरिया है आपका मध्य प्रदेश का उसको उसको आपका सर्वे करना सर्वे कैसे करना सर्वे करना ड्रोन के थ्रू और जो आपका इनहेबिटेड एरिया है जहां पर कोई रह नहीं रहा उसकी आपका उसको चेक करना करना और पूरे के पूरे 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 के के विलेजेस विलेजेस की की विद मैपिंग करना, कि कितना एरिया इस विलेज में आ रहा है कितना एरिया दूसरे विलेज में आ रहा है सो जस्ट एक है आपका सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज सो के विलेजेस की आपकी मैपिंग करना विलेजेस को आपका दायरा देखना कि इतना विलेज का दायरा ये है और वो आपकी

23 मोर फाइन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडेड इन दी एमएसपी लिस्ट एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां पर और यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अनाउंस किया है तेईस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में लाया जाएगा ओके okay, सो so यहां पर आपका पहले जितनी भी आइटम्स थी टोटल अब 50 आइटम हो चुके हैं जो इसके दायरे में लेकर आएंगे और आखिरकार माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता क्या है माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो ये रहे इसके टाइप दैट इज माइनसुड बैंबू कैंस हनी कुकून टसर रूट्स ट्यूबर एक्सेट्रा ओके बेसिकली जो आपके फॉरेस्ट है वहां से कोई ऐसे प्रोडक्ट निकल कर सामने आते हैं जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ में आपके हेल्पफुल रहते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं सो दैट इज फॉरेस्ट प्रोड्यूस मीन आपका ये चीजें फॉरेस्ट में ही पाई जाती हैं और वहां से हम लेकर इसको आपका आगे यूज करते हैं सो so इनको अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में रखा गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राइस एक ऐसा price है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है हर एक प्रोडक्ट का जो भी आपके प्रोड्यूस की जाती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बेसिकली ये किया जाता है और वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको देना अनिवार्य होता है अगर उन्होंने डिसाइड कर दिया किसी एक चीज का प्राइस मान लीजिए हजार पे तो वो हजार पे मिनिमम प्राइस है जो उसको मार्केट से मिलेगा ही मिलेगा या फिर गवर्नमेंट उसको आपका हजार देगी देगी उससे परचेज करती है तो मीनिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एग्जाम से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछ सकते हैं मिनिस्ट्री कौन सी है, इसमें? Okay, कौन सी ने इसको है? है ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट नहीं है या और कोई मिनिस्ट्री नहीं है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपसे कुछ और ट्रिकी मिनिस्ट्री का नाम पूछा जा सकता है लाइक द एग्रीकल्चर दे देंगे बट नो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विल बी द राइट आंसर टोटल कितने 23 एडिशनल तो टोटल अब 50 तक पहुंच गई है आइटम ठीक है गॉट इट चलिए अगली खबर चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया 445 करोड़ फॉर छत्तीसगढ़ अंडर जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन मिशन okay, ओके जल जीवन मिशन के तहत आपका 2024 तक क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर मुहैया करवाना सभी सभी घरों में ट्वेंटी टारगेट रखा गया जिसमें 3.6 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं जिसके तहत आपका फोर करोड़ रुपीज इसी मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को देने का फैसला किया है फॉर ईयर ट्वेंटी ओके ट्वेंटी तक आपका छत्तीसगढ़ में आपका चार करोड़ रुपए ये किसका पार्ट है तीन पॉइंट छह लाख करोड़ का पार्ट है जो कि 2024 तक अचीव करना है प्रोवाइडिंग क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल दाउस होल्ड इन कंट्री चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आ, ओके इट्स गुड टू सी आज बहुत सारे लोग लाइव हैं मजा आ रहा है मेरे साथ बने रहना ठीक है कई बार नए स्टूडेंट्स हैं आपको ट्यूनिंग एक बार सेट नहीं आएगी क्योंकि हम काफी नई जगह से आते हैं दूसरी जगह से आते हैं तो ट्यूनिंग नहीं है बट देखोगे ना बने रहोगे ना तो डेफिनेटली इससे बेस्ट करंट अमेरस आपको कहीं नहीं मिलेगी डेफिनेटली नहीं मिलेगी मान लो टेक्स ऑथॉरिटी हेड्स ऑफ ब्रिक्स मेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ओके सो हेड ऑफ दस ऑथोरिटीज ऑफ ब्रिक्स मेट थ्रू दीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इनकी मीटिंग हुई है किन की मीटिंग हुई है जो आपके टैक्स ऑथोरिटीज के हेड है टैक्स अथॉरिटीज के हेड कौन से होते हैं मान लीजिए इंडिया की तरफ से फिलहाल इसको रिप्रेजेंट किया फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने या फिर इसको प्रेजेंट कर सकते थे आपके या कोई इनकम टैक्स सीबीडीटी के हेड या इस तरह की जो भी टैक्स टैक्सरिटी है फाइनेंस सेक्रेटरी सेक्रेटरी रेवेन्यू इस तरह के आपके जो सेक्रेटरीज हैं यही आपके सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं सो so, इसी के लिए यहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे के द्वारा हेड किया गया था इस पर्टिकुलरली टैक्स अथॉरिटी की

हेड कौन बना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ओके okay. अट्ठारह सो लोग लाइव फर्स्ट टाइम एटीन हंड्रेड लोग लाइव है प्लीज सभी सभी लाइक जरूर दबा देगा ओके सो ब्रिक्स कंट्री रिप्रेजेंट फोर्टी वन परसेंट ऑफ दर्ल्ड का फोर्टी वन परसेंट जो पॉपुलेशन है वो आपका ब्रिक्स कंट्रीज आपकी यहां पर रिप्रेजेंट करती है एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछेंगे टैक्स ऑथोरिटी हेड ऑफ ब्रिक्स जो मिली है इसको होस्ट किसने किया है रशिया ने इसको होस्ट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन की इंडिया की तरफ से किसने प्रेजेंट किया डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने रिप्रेजेंट आपका किया था बाकी ब्रिक्स के फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिक्स के ऊपर बार बार न्यूज में आ रहा है ब्रिक्स का भी बैंक से रिलेटेड भी न्यूज आई एनडीबी से उसके हेड से रिलेटेड भी न्यूज आई हेड चेंज हो गया आपके वाइस हेड चेंज हो गए वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चलते हैं के फोन प्रोजेक्ट ऑफ द केरला टू बी इंप्लीमेंटेड बाई दिसंबर सो यहां पर आपका दिसंबर तक केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क सो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क आपका बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू आपका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बिछाना यानी कि सभी की सभी जो हाउसेस हैं ऑफिस हैं उनको इंटरनेट कनेक्शन के साथ लिंक करना फाइबर आपका ऑप्टिक ये एक वायर है जो कि यूज की जाती है आपकी ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा में यानी कि इंटरनेट सर्विसेज में बेसिकली यूज किया जाता है और सबसे फास्ट मोड माना जाता है फिलहाल ये इंटरनेट के लिए ओके सो फर्स्ट सबसे फास्टेस्ट मोड फाइबर ऑप्टिक सो so इसके लिए एक प्रोजेक्ट केरला गवर्नमेंट के द्वारा डिजाइन किया गया है नाम इसका रखा गया के फोन के फोन यहां पर नाम है पूरा केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और इन ऑर्डर टू अचीव गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड रुपीज वन फाइव फोर एट करोड़ वन फाइव फोर एट करोड़ रुपीज आपका स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए एलोकेट किया एग्जाम पॉइंट क्या है फुल नेम पूछ सकते हैं कितने करोड़ रुपीज एलोकेट किया 1548 करोड़ रुपीज एलोकेट किया है यह पूछा जा सकता है केरला के, के स्टैटिक फैक्ट यहां पर है आपके सामने अगली खबर है हमारी डी सेट हैज लॉन्च इंडियन नेशनल सुपर मॉडल सो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत इन्होंने लॉन्च किया है इंडियन नेशनल सुपर मॉडल मॉडल ओके सो इंडियन नेशनल सुपर मॉडल बेसिकली ये आपका एक कह सकते हैं एक आयोजन है जिसके तहत आपके कुछ ऐसे मॉडल्स को डेवलप करने की बात की जा रही है जो कि आपके कोविड इंफेक्शन को ट्रैक करने में हेल्पफुल रहेंगे ये मॉडल आपका बेसिकली कुछ एंड फोरकास्ट के ऊपर बेस रहेगा जिस तरह से वेदर फोरकास्ट किया जाता है उसी तरह से ये आपका पॉसिबल इंपैक्ट किस तरह से डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं क्या इसके पॉसिबल इंपैक्ट हो सकते हैं इस तरह का यह मॉडल आपका इसके तहत इंडियन

सो okay, so ये भी आपसे पूछा जा सकता है। है है अगली खबर हमारी ने आपका किया है, One Sun, One World, One Grid. इसका मतलब यह है कि आपकी जो सोलर एनर्जी है सोलर एनर्जी कह लीजिए या फिर सो सोलर एनर्जी को आपका स्टोर करने के लिए जो रिसोर्सेज है सोर्सेज है उनका आपका आदान प्रदान किया जाए आदान प्रदान कहने का मतलब शेयरिंग की जाए आपका बाकी पूरी दुनिया के साथ ओके सो किसी भी कंट्री के पास है तो दूसरी कंट्री के साथ शेयर करें इस तरह का एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड एनर्जी इन्होंने प्रपोज किया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड

नेक्स्ट न्यूज है हमारी डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवे पीयूष गोयल जी हैं हमारे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है कि हाल ही में डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई यहां पर और ये जो डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स है ये आपकी ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई की गई सी के द्वारा दैट इज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा यहां पर ऑर्गेनाइज की गई और एक्सिम बैंक इसका पार्टनर रहा था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक इसका पार्टनर रहा था यहां पर डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स ये ऑर्गेनाइज की गई थी एग्जाम में पूछेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सीआईए कौन इसका पार्टनर था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक था सीआईए की बात करें प्रेसिडेंट विक्रम करनोस्कर है न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है एग्जिम बैंक मुंबई में हेड ऑफिस है डेविड रेस्कुना इसके एमडी एंड सीईओ है अगली खबर है हमारी नबार्ड ने 1050 करोड़ आपका वेस्ट बंगाल को देने का फैसला किया है सो नबार्ड के तहत आपका पहले भी एक न्यूज आई थी पंजाब से रिलेटेड एक न्यूज आई थी आपको याद होगा हमने उसको पढ़ा भी था सो उसके तहत और जो आत्मनिर्भर अभियान के तहत आपका नबार्ड को जो पैसा दिया रहा है कितना दिया रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से पढ़ा हुआ हमने सो नबार्ड ने अभी हाल ही में एक करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल को देने का फैसला किया है अंडर दैट स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो कि उसको मुहैया करवाई गई है आत्मनिर्भर अभियान के तहत सो यहां पर एक करोड़ दिया है वेस्ट बंगाल को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वेस्ट बंगाल को कितना दिया एक हजार पचास नबार्ड के अभी अभी चेयरपर्सन चेंज हुए हैं गोविंदा राजूलू चिंताला चेंज हुए हैं ओके सो ये याद रख लेगा. अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन बन बन सकता है. बन सकता है है आपका इंपॉर्टेंट कर चुके हैं हम इसके बारे में भी वेस्ट बंगाल का स्टेटिक आपके सामने है अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो आई है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ विल बी दी 11 ईयर लो एट 4.2 पॉइंट टू परसेंट एज परसओ एन एसओ यहां पर है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि एक ऑफिशियल हमारा हमारा स्टेटिस्टिकल ऑफिस है हमारा इंडिया गवर्नमेंट का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत आपका काम करता है ओके okay, सो so इसके तहत काम करता है आई एम रियली ग्रेटफुल ओके आज उन्नीस लोग लाइव हैं रियली मतलब आप बने रहना यार मेरे साथ मतलब मैं लिटरली कहूंगा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं ऐसी गारंटी आपको कहीं नहीं मिलेगी बस बने रहना और डेली बेसिस पर आते रहना ठीक है इंडिया की जीडीपी ग्रोथिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के, के, के तहत डाटा दिया गया है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस का इसके तहत जो इंडिया का जी डी पी है प्रोडक्ट जिसका मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज

आपकी बताएगी 4.2 परसेंट तो भाई 2019-20 में अगर आपका जो फाइनेंशियल ईयर गया रहा है यहां पर 2019-20 में 11 साल के निचले स्तर पर रही थी 4.2 प्रतिशत ओके और फाइनल क्वार्टर जो आपका जनवरी से मार्च का जो अभी हाल ही में गया है जनवरी से मार्च का उसमें जीडीपी आपकी 3.1 रही थी जो कि अगर लास्ट ईयर के 2018-19 के क्वार्टर चार की बात करूं तो 6.2 परसेंट थी ओके okay, सो so इतना डिफरेंस आया था बिकॉज लास्ट डेज में जब आपका लॉकडाउन लगा था उससे इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज थी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग आपकी वो शटडाउन हो गई थी इस वजह से वो भी आपका काफी इंपैक्ट इसका पड़ा था जीडीपी के ऊपर सो so यहां पर एग्जाम पॉइंट से आ, बहुत ही इंपॉर्टेंट 4.2 परसेंट एस्टिमेट दिया है किसने दिया है एनएसओ ने दिया देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट देती रहती हैं ठीक है आते रहते हैं उसके एस्टिमेट बट जो इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्वियस है इंडिया की गवर्नमेंट का है दैट इज 4.2 परसेंट पूछा जा सकता है फोर कितना रहा है तीन है ये एक्चुअल रहा है ये कोई एस्टिमेट नहीं एक्चुअल रहा है और यहाँ पर आ, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी पूछा जा सकता है, है, है।, है। समझाऊ तो हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दी ओके सिंपल सरल भाषा में वैसे कॉम्प्लीकेट और भी है मैंने बजट वाले में बहुत अच्छे समझाया था बट फिलहाल इतना ही समझिए कि एक्सपेंडिचर हमारे ज्यादा है और हमारे जो

18% परसेंट टू सेवेंटी बिलियन सो यहां पर आपका 73.46 बिलियन डॉलर आपका ये आंकड़ा आया है एग्जैक्ट आंकड़ा जो कि 18 परसेंट आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर की जो कंपनीज हैं बाहर के जो आपके एंटरप्रीनियर हैं वो इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं दैट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि यहां के जो कंपनीज हैं उसके मैनेजमेंट रोल में उन्होंने पार्ट लेना मैनेजमेंट रोल में पार्ट लेना यही आपका फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका

अगली खबर हमारी है आर एस ढिलन को बनाया गया नया सीएमडी पीएफसी का रविंदर सिंह ढिल्लन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन अनाउंस किए गए हैं सीएमडी फ्रॉम जून वन ट्वेंटी ट्वेंटी राजीव शर्मा की जगह लेंगे जो कि रिटायर हो चुके हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में यहां लिखा हुआ है इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है 1986 में स्टेब्लिश किया गया था एंड इंडियन पावर सेक्टर को आपका फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड करने का ये काम करता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन रविंदर सिंह ढिल्लन एग्जाम में पूछा जा सकता है इनका नाम अगली खबर है हमारी एस एन राजेश्वरी सीएमडी बनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस की ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी आई है और इनका नाम है राजेश्वरी इनका नाम है यह जगह लेंगी एवी गिरिजा कुमार की इनकी जगह आएंगी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एक वन ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है हमारे इंडिया में चार जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है आपकी चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इन चारों के नाम एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसको हम एल के नाम से जानते हैं। बाकी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं आपकी चार जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हैं मैंने पब्लिक सेक्टर के कंपनी की बात कर रहा हूं चार ऐसी कंपनीज की अगली खबर है हमारी इंडिया ऑब्जर्वेटरी लॉन्चेस दी को एसेट इंडिया सो यहां पर इंडिया ऑब्जर्वेटरी एंड ओपन सोर्स डेटाबेस लॉन्च किया गया जीआईएस एनिमल डैशबोर्ड कोसेट इंडिया दैट इज अ कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप ये आपका कोलैबोरेट किया है आनंद बेस्ड आनंद है आपका गुजरात में एक शहर है यहां पर सिचुएटेड है फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ये इसका मेन नोडल पॉइंट है यहां पर आपके

की बात की जा रही है और यह बेस आपका किया जा रहा है इंडिया ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जो कि आपका रहेगा कोलैबोरेशन किसका डिपार्टमेंट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ऑब्जर्वेटरी पूछ सकते हैं आपसे यह जगह पूछ सकते हैं कहां पर है, है डैशबोर्ड है एक डिपोजिटरी है एक आपका सारा का सारा डाटा यहां पर मैनेज किया गा सारे सारे पचपन एयरबोट ऑर्गेनाइजेशन से ये आपका डाटा लेने की बात की जा रही है ओके मेरे दोस्तों ये था हमारी आज की करंट अवेयर उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर आठ बज के दस मिनट पे आप मुझे मिलेंगे अन अकेडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे जहां पर मैं प्रीवियस डे के एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करता हूं और बहुत ही शानदार एमसीक्यूज होते हैं बहुत ही गजब के एमसीक्यूज होते हैं अगर एक न्यूज में से मान लीजिए दस क्वेश्चन बनते हैं मैं दस के दस आपको एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस कराता हूं ताकि एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो आपने ना किया हो मेरी क्लास में सो वो जरूर अटेंड किया गया आठ बज के दस मिनट जरूर लाइव आ जाना क्विकली वहां पर स्विच करना जस्ट एक रिवीजन करेंगे उसके बाद वहां पर स्विच करना और, पर हम देखेंगे, कल के और लाइक प्लीज कर देगा सेशन को आज पहली बार 1950 लोग लाइव हुए यहां पर बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी सभी लाइक जरूर करके जाइएगा प्लीज ओके okay. Okay.

दो में नेक्स्ट चलते हैं यूएसए uh, ने ज्वाइन किया जी सेवन पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जेंस रिलेटेड पहले जी सेवन नेशन में आपका यूएसए ने साइन नहीं किया था सिग्नेटरी नहीं था बट अब यूएसए सिग्नेटरी बन गया है टेक्नोलॉजी कहां पर है ये एक आपका है आपका मिसाइल पार्क आईनस कलिंगा में है आईनस कलिंगा में एक सोलर पावर भी एस्टेब्लिश किया गया जो कि वहां पर सोलर एनर्जी के थ्रू पूरे के पूरे पार्क में आपका यूज किया जाएगा एंड ये आपका विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है आईनएस कलिंगा अगली खबर है रोजगार सेतु ऐप लॉन्च की गई मध्य प्रदेश के द्वारा

पांडे ने यहां पर रिप्रेजेंट किया के फोन प्रोजेक्ट दैट इज द केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क केरला का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत सभी के सभी घरों और ऑफिस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराना पंद्रह करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किए गए हैं

रिसोर्सेज को शेयर करेंगी जहां पर आपकी सनलाइट की कमी है सूरज की कमी है वहां पर सूरज सोलर एनर्जी को दिया जाएगा डिजिटल एक्सपोर्ट्स आपकी ऑर्गेनाइज की द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी इसमें

आईआईटी ने एफडीआई के बारे में बताया 73.46 बिलियन डॉलर एफडीआई आपका आया है जो कि पिछली बार से 18 परसेंट आपका ज्यादा है और यह पिछले चार सालों में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है और सिंगापुर से सबसे ज्यादा आपका लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की अगली खबर है इंडिया ऑब्जर्वेटरी ने लॉन्च किया है कोसेट इंडिया को डैशबोर्ड है एक रिपोर्ट्री है एक डाटा बेस है जो भी आपका कोरोना वायरस से रिलेटेड है ये डाटा बेस आपका क्रिएट कर रहा है इंडियन ऑब्जर्वेटरी साथ में है आपका इकोलॉजिकल सिक्योरिटी चलिए मेरे दोस्तों स्विच कीजिए तुरंत स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्मी है ऐसे एमसीग्यूज आपने नहीं देखे होंगे जरूर अटेंड किया पर यह क्लासेस साढ़े सात बजे और आठ बज के दस मिनट पे मजदार शानदार जानदार लाइट ठोक के जाना मिलते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा